Hey guys, welcome back to our channel and welcome back to a new vlog. Gold Souk nahi, Gold Center building. आज हम लोग निकले हैं गोल्ड शॉपिंग के लिए, मम्मी को लेके, हमारी छोटी सी बच्ची को लेके मैं और सौरभ हम लोग जा रहे हैं गोल्ड शॉपिंग के लिए। हमारे व्लॉग में आप लोगों ने पहले दुबई गोल्ड सूक देखा है, फिर मीना बाज़ार वाला जो दुबई का गोल्ड मार्केट है वो देखा है, लेकिन आज हम वहाँ नहीं, आज हम जा रहे हैं शारजा गोल्ड मार्केट। और ये शारजा गोल्ड सूक भी नहीं है, हम जहाँ पे जा रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत ही कम मेकिंग प्राइस में गोल्ड ज्वेलरी मिलता है। वैसे तो हमारे व्लॉग में हम लोगों ने ऑलरेडी शेयर किया है कि बिना मेकिंग चार्ज वाला भी शॉप होता है जहाँ से आप गोल्ड खरीद सकते हो, लेकिन क्या है ना कि जहाँ पे बिना मेकिंग चार्ज वाला जो शॉप है वहाँ पे लाइट वेट ज्वेलरी थोड़ा कम ही मिलता है, सारे के सारे थोड़ा हैवी वेट के हैं। तो हम जहाँ पे जा रहे हैं शारजा में, वहाँ पे एक तो लाइट वेट ज्वेलरी मिल जाती है, ऊपर से उसका मेकिंग चार्ज काफ़ी कम होता है। और मम्मी को कुछ इंडियन डिज़ाइन भी चाहिए था, तो इंडियन डिज़ाइन के लिए शारजा का ये मार्केट बहुत अच्छा है। और शारजा का गोल्ड सूक भी काफ़ी फेमस है, लेकिन वहाँ पे आपको इंडियन डिज़ाइन उतना नहीं मिलेगा, वहाँ पे मोस्टली टर्किश डिज़ाइन मिलता है। जाते जाते रास्ते में मम्मी पूछ रही थी ये क्या है वो क्या है, और जितना मुझे और सौरभ को पता है हम दोनों बता रहे थे। एक्चुअली शारजा का हमें भी उतना ज़्यादा कुछ नहीं पता। और बाहर का व्यू देखिए काफ़ी खूबसूरत है, ये जो रेलिंग लगाया है ना वाइट कलर का, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और आसमान पूरा नीला और ये क्लाउड्स और बीच में से ये सड़क, इतनी सारी गाड़ियाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में। हम लोग तो व्यू एंजॉय करते करते जा रहे थे। ये देखिए, देखते ही देखते आ गया शारजा गोल्ड सूक जिसके बारे में मैं बता रही थी। यहाँ पे ज़्यादातर 21 कैरेट ज्वेलरी मिलता है और इसका मेकिंग चार्ज काफ़ी हाई है। अगर आपको 21 कैरेट में ज्वेलरी चाहिए तो आप यहाँ पे जा सकते हो, वैसे आपको यहाँ पे उतना इंडियन डिज़ाइन नहीं मिलेगा। चलते चलते अभी हम जिस पार्ट में पहुंच गए हैं शारजा का, ये है शारजा रोला एरिया, और सामने है वो बिल्डिंग जहाँ पे आज हम जा रहे हैं, केएम ट्रेडिंग। देखिए कुछ ही देर में आप लोगों को भी स्क्रीन पे दिखेगा, वो बड़ा सा लिखा हुआ है वहाँ पे रेड कलर में केएम सेंटर करके। यहीं उतर जाएंगे, वो सामने रुक रही है। गाइज, आज हम लोग मम्मी के साथ आए हैं गोल्ड के शॉपिंग के लिए, और ऑलरेडी 2-3 शॉप हम लोगों ने देख लिया, और ये हम आए हैं शारजा में एक गोल्ड सेंटर करके है केएम ट्रेडिंग में, वहीं पे अच्छा खासा कलेक्शन है यहाँ पे, लेकिन जो हमें चाहिए वो
भालो लगछे। बहुत सारे डिजाइन ट्राई करने के बाद मम्मी को ये रिंग पसंद आया और हमने यही लिया। अभी अभी जो रिंग मैंने कहा ना कि बहुत अच्छा लग रहा है, वही। जिस दिन हम गोल्ड खरीदने गए थे उस दिन गोल्ड का प्राइस था 204 पर ग्राम 22 कैरेट का, और मेकिंग चार्ज लगा था हमें 5%। बहुत ढूंढने के बाद लास्टली हमें ये मिला। और हम लोग कर रहे थे धुआंधार शॉपिंग और इधर इसने अपनी नींद पूरी कर ली। हम लोगों ने ये पैरम्बुलेटर लिया क्यों है पता नहीं, ये तो कभी उसमें जाती नहीं है। बस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। आज हमने लिया है गोल्ड पेंडेंट एंड रिंग, जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में दिखाया है आप लोगों को। होपफुली आप लोगों को हमारा ये गोल्ड शॉपिंग ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप दुबई में हो और कम मेकिंग चार्ज में गोल्ड खरीदना चाहते हो तो एक बार शारजा में केम ट्रेडिंग में आप देख सकते हो। होपफुली आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। सो गाइस, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।